हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने सिलाइयों से बनाई है। ये ड्रेस 2 और 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। इस ड्रेस को मैंने 3 कलर से बनाया है। आप चाहें तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। साइड में मैंने इसमें पत्तियाँ बनाई है, जैसे मैं अपनी पिछली ड्रेस में भी बनाना बताई थी। इसमें मैंने ऊपर की तरफ ये वाइट लाइन नहीं दी क्रीम कलर की। आप चाहें तो ये इस ड्रेस का लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ से आप ये ऊपर की तरफ ये वाइट क्रीम कलर की ये लाइन भी बना सकते हैं। इसमें मैंने सिंपल बनाया है। इसमें मैंने यहाँ पे इस तरह की फ्लावर शेप की डिजाइन बनाई है। इसमें मैंने ये फूल से बनाया है। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने अपनी चोली को बना लिया। ये हमारे 2 और 3 नंबर की कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे हम। मैंने 2 कलर से बनाई है। इस चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसमें मैंने ऊपर 16 फंदे डाले हैं, 3 जालियाँ बनाई हैं, बाजू के अंदर मैंने 9 फंदे घटाए हैं। इस तरह हमारे इसमें कुल 22 फंदे रह जाते हैं। बाजू घटाने के बाद हम इसमें एक उल्टी और एक सीधी सिलाई निकाल लेते हैं। अब वापस से हम अपनी उल्टी सिलाई में, हमारे 22 फंदे हैं, तो 22 के हम सभी फंदों को डबल कर लेंगे। तो सभी फंदों को हम 1 का 2 कर लेते हैं। 2 करने के लिए पहले हम फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर आगे से बनाते हैं। इस तरह हमारे सभी फंदों के 1 के 2 हो जाएंगे, तो हमारे कुल 44 फंदे हो जाएंगे। हम अपनी डिजाइन में सभी फंदों में 1 का 2 करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हम एक बार पीछे से बनाते हैं, फिर एक बार आगे से बनाते हैं। इस तरह हमारे सभी फंदे 1 के 2 हो जाएंगे। मैंने सभी फंदों को 1 का 2 कर लिया। सिर्फ एक फंदे को नहीं करते, क्योंकि हमारे इस डिज़ाइन में हमको 43 फंदे चाहिए रहते हैं। हमारे 22 फंदे थे, तो मैंने इसमें 43 फंदे कर लिए। अब अपने अगले कलर की मैं पूरी सिलाई सीधी निकाल देती हूँ। तो मैं अगले कलर से पूरी सिलाई सीधी निकाल लेती हूँ और हमारे 43 फंदे हैं। मैंने अपने दूसरे कलर से पूरी सिलाई सीधी निकाल ली। वापस से हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई भी हमारी सीधी निकलेगी। तो पहला फंदा तो हम सीधा बनाते हैं, एक फिर दूसरा फंदा होता है, इसके ऊपर हम अपनी सिलाई में ऊन को 3 बार 1 2 और 3 बार करके फिर अपने इस फंदे को बनाते हैं। इस तरह हम अगले 5 फंदे बनाते हैं। तो 1 तो बन गया 2 और ये 3, ये हमारा दूसरा फंदा बन गया। फिर तीसरा 1 2 और 3, हर बार सिलाई में हमको 3 बार लेना है। ये चौथा फंदा बन गया हमारा, ये हमारा 5वां फंदा, 1 2 और 3, इससे मेरे 5 फंदे। अगले फंदे को हम सीधा ही बना लेते हैं। फिर आगे के 5 फंदों को हम ऊन को 3 बार करके 1 2 और 3, 1 2 3, फिर दूसरा फंदा बन गया 1 2 और 3, तीसरा फंदा 1 2 और 3, चौथा फंदा 1 2 और 3, इस तरह 5वां फंदा। अगला फंदा फिर हम एक सीधा बना लेते। इस तरह मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैंने अपनी उल्टी सिलाई भी पूरी निकाल ली है। वापस मैं अपनी सीधी सिलाई में आ गई। सीधी सिलाई हमारी इसी कलर से निकलेगी। अब सीधी सिलाई में पहला फंदा हम उल्टा बनाते हैं, फिर अपनी ऊन को हम पीछे ले जाते हैं और अपने 5वां फंदों को हम खोल लेते हैं। पांचों फंदे खुल गए। खुलने के बाद हम अपनी उनको आगे लेके आते हैं और इन फंदों को बिना बनाए अपनी दूसरी सिलाई में उतार लेते हैं। फिर उनको हम पीछे लेके जाते हैं, फिर अपने फंदों को वापस अपनी सिलाई में लाते हैं, फिर उनको आगे लाते हैं, फिर वापस अपनी दूसरी सिलाई में ले जाते हैं, उनको पीछे ले जाते हैं। इस तरह हमारे 5वां फंदों के ऊपर इस तरह 2 राउंड बन जाते हैं। ये हम लूज़ लूज़ बनाते हैं, टाइट नहीं बनाते। फिर अपनी उनको आगे लेके आते हैं। फिर जो हमारा 1 फंदा हमने बनाया था, इसे हम उल्टा बना लेते हैं। वापस से उनको पीछे लेके जाते हैं, 5 फंदे खोलते हैं। 5 फंदे खोलने के बाद उनको हम आगे लेके आते हैं,
फिर पांचों फंदों को दूसरी सिलाई में लेके जाते हैं, फिर ऊन को पीछे लेके जाते हैं, फिर पांचों फंदों को वापस लेके आते हैं, ऊन को आगे लाते हैं, फिर पांचों फंदों को दूसरी सिलाई में लेके जाते हैं और फिर ऊन को पीछे लेके जाते हैं। इस तरह हमारे ये दो राउंड बन जाते हैं। ऊन को आगे लाते हैं और अपने फंदे को उल्टा बना लेते हैं, फिर ऊन को पीछे ले जाते हैं। इस तरह रिपीट करते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने अपनी ये पूरी सिलाई निकाल ली है, इसमें हमारे ये सात फूल बनते हैं। अब वापस हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई है हमारी जो वापस से पूरी सीधी निकलेगी। एक फंदा हमने बनाया था जो, और पांच हमारे फूल के हैं, इनके भी हम एक एक करके सीधा बना लेते हैं। इस तरह से हमारा एक फूल बन जाता है। फिर हमारे बीच का फंदा आ गया, इसको बना लेते हैं हम सीधा ही। फिर हमारे फूल के पांच फंदे, इस तरह मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने अपनी उल्टी सिलाई पूरी निकाल ली है, जो हमारी सीधी निकलती है। वापस से हम अपने सीधी सिलाई में आ गए। अब वापस से हमारा पहला कलर लगाएंगे जो हमने क्रीम कलर का है, तो ये हमारी पूरी सीधी सिलाई निकलेगी। तो मैं पूरी सीधी सिलाई निकाल लेती हूँ। मैंने अपनी सीधी सिलाई निकाल ली, वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। इसमें हमारे 43 फंदे थे, अब हम इसमें 20 फंदे और बढ़ा डालेंगे, तो हमारे इसमें अब ये 63 फंदे हो जाएंगे। सॉरी, 30 फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे ये 73 फंदे हो जाएंगे। इसमें तो हम इसमें 30 फंदे और बढ़ा लेते हैं। तो बढ़ाने के लिए वही हम एक का दो करते हैं। एक बार पीछे से बनाते हैं और एक बार आगे से। इस तरह करते हम इसमें 30 फंदे और बढ़ा लेंगे, तो कुल हमारे इसमें 73 फंदे हो जाते हैं। और अब किस हमारे इसमें सात फूल बने थे, अगले में हमारे इसमें 12 फूल बनेंगे। इस तरह मैं इसमें 30 फंदे बढ़ा लेती हूँ। मैंने अपने सभी फंदे बढ़ा लिए हैं, अब इसमें हमारे 73 फंदे हो गए। अब वापस से हम क्रीम कलर की दो सिलाइयाँ निकाल देंगे। दोनों सिलाई हम सीधी और उल्टी निकाल लेंगे, तो दोनों सिलाई हमें निकाल लेते। पहली सिलाई हमारी सीधी निकलेगी, फिर उल्टी सिलाई हमारी उल्टी निकलेगी। इस तरह मैं दोनों सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट कर लेती। इस तरह मैंने इसमें अपने क्रीम कलर की दोनों सिलाई निकाल ली। एक हमारी फ्लावर की डिजाइन बनने के बाद हमारे क्रीम कलर की चार सिलाइयाँ निकलती। पहली सिलाई हम सीधी, दूसरी सिलाई में हम फंदे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम एक सीधी और एक उल्टी निकाल के इस तरह चार सिलाइयाँ निकाल लेते हैं। अब जिस तरह से हमने अपने फूल बनाए थे, वैसे हम अपनी फूल की डिजाइन बनाएंगे। तो पहले सिलाई हम पूरी सीधी निकालते हैं। इसके लिए मैं अब ये दूसरा रंग यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसी रंग से बना सकते हैं, मैंने ये थोड़ा लाइट शेड इसमें यूज़ किया है। तो इसमें मैं अब ये पहले सिलाई तो पूरी सीधी निकालूंगी, और जिस तरह से हमने अपने फूल बनाए थे, पूरी सीधी निकाल लेती हूँ सिलाई। तो मैं फिर मैंने सीधी सिलाई निकाल ली, वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में हम वैसे ही अपनी तरह, पहले हमने जैसे फूल में बनाया था, पहला फंदा सीधा बनाते हैं हम। फिर हमारे पांच फंदों के ऊपर हम ऊन को तीन बार, तो पहले फंदे को दो और तीन बार करके फिर अपने फंदे को बनाते हैं। फिर अपने फंदे को एक दो और तीन बार ऊन को लेके फिर फंदे को, इस तरह हम पाँच फंदे बनाते हैं। तीन, चार, पाँच, और अगले फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह हम पूरी डिजाइन बना लेंगे। पहले हम अपने पांच फंदे फिर खोल लेंगे अपने फंदों को, फिर अपने ऊन को इस तरह डबल करते पूरा फूल बना लेंगे। फूल बनाने के बाद हम अपनी क्रीम कलर की भी चार सिलाई निकाल के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहली सिलाई। इस तरह मैंने अपना ये दूसरी डिजाइन का फ्लावर भी कंप्लीट कर लिया है। ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने इसमें दो क्रीम कलर की रो निकाल ली, एक सीधी एक उल्टी। सीधी सिलाई तो हम निकाल लेते हैं। उल्टी सिलाई में मैंने इसमें आठ फंदे बढ़ाए, सॉरी सात बढ़ाए, तो कुल हमारे ये 80 फंदे कर लेते हैं। आगे हमको अब कोई डिजाइन बनानी नहीं है, अपनी ड्रेस को कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने इसमें आठ फंदे बढ़ाए। अगर हम कोई ड्रेस बड़ी बनानी होती है तो आगे हम 30 फंदे और बढ़ा के अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग उसमें और डिजाइन बना लेते हैं। तो मैंने इसमें कुल 80 फंदे कर लिए हैं। अब मैंने क्रीम कलर की दो लाइन तो निकाल ली है, और इसमें मैं दो लाइन और निकाल देती हूँ। दो लाइन जो निकालूंगी, जो मैं दोनों उल्टी उल्टी निकालूंगी।
सिर्फ उल्टी उल्टी दोनों निकालूंगी, जिससे हमारी इस तरह की एक रो बन जाएगी उल्टी लाइन की। फिर उसके आगे हम अपनी ड्रेस में इस तरह की पत्तियां बनाएंगे कटिंग वाली। तो मैं इसे ये दोनों लाइन बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम अपना ये रंग लेते हैं जो हमारा एक रंग बचा है, इसमें पहला फंदा उल्टा बनाते हैं। पहला फंदा उल्टा बनाने के बाद हम इसी फंदे को वापस से अपने ऊन को इस तरह से पीछे ले जाके इसी फंदे को वापस हम उल्टा ही बना लेते हैं। अब अगली सिलाई में हम इसमें से एक फंदा और ले लेंगे, तब हमारे इस सिलाई में दो फंदे हो जाएंगे। फिर इन दो फंदों को उल्टा बना लेते हैं हम, फिर वापस से अपनी सिलाई पे आ जाते हैं हम। अब हम तीन फंदे उल्टे बना लेंगे। अब वापस से हम इन तीनों फंदों को उल्टा बना लेंगे। इस बार हम चार फंदे बनाएंगे। अब वापस से इन चार फंदों को उल्टा बना लेंगे हम। अब हम पांच फंदे बनाएंगे। इस तरह मैं हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाती रहती हूँ। वापस से हम अपने पांचों फंदों को उल्टा बना लेते हैं। हम छह फंदे बनाएंगे। छहों को उल्टा बना लेंगे। अब सात बनाएंगे, फिर सात को उल्टा बना लेंगे। अब अगले में हम आठ फंदे बनाएंगे। इन आठ फंदों को भी हम उल्टा बना लेंगे। इन आठ फंदों को भी हम उल्टा बना लेंगे। हमारी एक पत्ती बन जाती है। अब इन सभी फंदों को हम घटा देंगे। घटाते हुए हम एक के ऊपर एक करते हुए से घटा देते हैं। घटाने के लिए हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे और उसको इसके ऊपर से उतारेंगे। एक फंदे को एक के ऊपर से उतारते हुए हम इसे पत्ती को घटाएंगे। सीधा घटाने से हमारी जो ये इस तरह पत्ती की ये डिजाइन आती है जो ऊपर की तरफ आती है, उल्टी घटाने से पीछे चली जाती है, इसलिए हम सीधा घटाएंगे इसे। ये हमारे पत्ती के सभी फंदे घट गए। अब अपनी अगली सिलाई में से एक फंदा और लेके घटा देते हैं। इस तरह हमारे ये आठ फंदे बन जाते हैं। इस तरह हमारी एक ही पत्ती बन जाती है। हम अगली पत्ती बनाते हैं। अगली पत्ती में हम इस फंदे को पहले तो उल्टा बनाएंगे, फिर वापस से अपने इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर आगे हम दो फंदे कर लेंगे, फिर इन दो को बनाएंगे हम वापस से, और इस तरह अपनी पत्ती को दोहराते हुए हम सभी पत्तियों को बना लेते हैं। फिर मैं सभी पत्तियों को बना लूंगी, दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे आठ बनाऊंगी, फिर उनको घटा दूंगी, फिर अगली पत्ती बनाऊंगी। इस तरह बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने अपनी ये सभी पत्तियाँ बना ली हैं। इसमें हमारी 10 पत्तियाँ बनती हैं, क्योंकि हमने 80 फंदे लिए थे, तो 8 फंदे से 10 पत्तियाँ बन जाती हैं। इससे हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। बनने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से बनती है। ये मैंने यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदे लिए, इसलिए वाइट वाइट की डिज़ाइन आ रही है। अगर आपको ये नहीं करना हो तो ये लाइन जो मैंने उल्टी उल्टी निकाली है, इसे आप सीधी सीधी निकाल के भी इस तरह से बना सकते हैं, जिस तरह पीछे बन रही है। बन गई, अब इसे हम सिलाई कर देते हैं। मैं यहाँ से इस तरह से सिलाई कर देती हूँ उसके। मैं ऊपर तक सिलाई कर लेती हूँ। मैंने इसकी सिलाई कर ली है।
अभी मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।